अजमेर इम्फाल का जो इंसिडेंट, साथ में हम लोग स्टेट का स्टूडेंट्स और सिटीजन जो वहाँ पे स्टक हुआ उसका बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा न्यूज आया अरुणाचल इम्फाल का इंसिडेंट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी ने एक चीफ सेक्रेटरी ऑफ डीजीपी को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए कहा और साथ साथ में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद मणिपुर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से बात हुआ, साथ साथ में एमएचए का सेक्रेटरी को भी बात किया और वहाँ का जो स्टूडेंट जिन लोगों का कांटेक्ट मिला उनसे भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद ही बात किया है। और हम लोगों के पास डाटा नहीं था इसलिए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के लीडरशिप में एक कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किया सिविल सेक्रेटरीट में और वहाँ से जितने स्टूडेंट कितना हो सके जितना स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया। अभी तक अक्रॉस मणिपुर में जो हमारा अरुणाचल स्टूडेंट्स वहाँ में जो पढ़ाई कर रहा है हम लोग कुल मिला के अभी तक 263 लोगों को मिला है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 37 स्टूडेंट्स हैं, सीजा एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस में 15 स्टूडेंट हैं, रिम्स में 105 स्टूडेंट्स हैं, साइना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में 50 स्टूडेंट्स हैं, मणिपुर यूनिवर्सिटी में 21 स्टूडेंट्स हैं, सीएमसी औरंगी में 20 स्टूडेंट्स हैं, एनआईटी इम्फाल में 3 स्टूडेंट हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 9 स्टूडेंट्स हैं और रॉयल एम्बेसडर एकेडमी स्कूल सेनापति में 3 स्टूडेंट्स हैं। और जितने स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं सबसे हम लोग का एक एआईजीपी और एक डिप्टी सेक्रेटरी सबको कांटेक्ट में है। साथ साथ में हम लोग ये भी कोशिश किया कि हम लोग एवाकुएट करने के लिए उन लोग को अपना स्टेट में वापस लाने के लिए कोशिश किया और आज हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन सबको पता है कि इम्फाल एयरपोर्ट जो है थोड़ा चौथा है तो काफ़ी उधर में ये सेंट्रल फोर्सेस जो मूवमेंट का कारण से एयर ट्रैफिक कंजेशन है जिसका कारण से हम लोग एवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर उधर यहाँ से तो निकल तो गया था लेकिन वहाँ लैंड कर नहीं पाया गया था। हाँ लैंड करने नहीं पाया तो फिर भी सब स्टूडेंट जो है अभी सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब कैंपस में है अपना अपना कॉलेजेस में है और हम लोग ने वहाँ का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट में है और जिस कैंपस में हमारा स्टूडेंट्स है हम लोग एडिशनल फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस हम लोग तैनात करने के लिए रिक्वेस्ट किया और अभी राउंड द क्लॉक वहाँ का जो डेवलपमेंट है उसका भी एसर्टन कर रहा है। इसीलिए मैं और अभी तक उधर से जो एक जो नॉर्मल फ्लाइट नॉर्मल ये स्केड्यूल मतलब फ्लाइट से जो हम लोग स्टूडेंट जो आ गया है सहजा एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज से 15 स्टूडेंट्स आ गया है, खुद ही टिकट किया उन लोग, साथ में मणिपुर यूनिवर्सिटी से 19 स्टूडेंट्स लोग आ गया है अपना स्टेट में, इन लोग रूटीन फ्लाइट में उन लोग आया है तो हम लोग चार्टर या माने कोई एवैक्यूएशन के लिए जो ये एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर उधर में एयरपोर्ट चौथा होने के कारण से हम लोग उधर भेज नहीं पाया, लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोग स्टूडेंट्स का ऊपर में कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट सुनाई नहीं दिया तो ओवरऑल हम लोग यही मालूम पड़ा है कि हम लोग स्टूडेंट्स आर ऑल सेफ, दे आर इन द कैंप अपना स्कूल अपना कॉलेजेस में है अपने यूनिवर्सिटी में है अभी तक। और साथ साथ में
जो भी हम लोग इवैक्यूएशन करने का होगा तो हम लोग ये सिटी से एयरपोर्ट जो है 8 to 9 किलोमीटर से, जब तक तो वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरेंस नहीं देगा तो हम लोग जो है उस जगह में कि वो चीज़ करना तो उन लोग ही लेके आना है, एस्कॉर्ट करके लेके आना है एयरपोर्ट तक, तो उसका भी सिक्योरिटी हम लोग देखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं मेरी अपरेंस आप लोग का थ्रू से मैं जो पेरेंट्स है स्टूडेंट्स का पेरेंट्स है रिलेटिव से या वेल विशर्स से अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग सब अभी एक साथ मिल के अपना बच्चों अपना जो स्टूडेंट्स है अपना बच्चे हैं इन लोगों का सेफ्टी के लिए हम लोग काम करना है, पैनिक नहीं कराना है, जितना हो सके इन लोग सेफ जोन में रहना है और हम लोग ये पूरा टोटली निगरानी में। और ये भी हम ग्राउंड से रिपोर्ट मिला है कि सिचुएशन इज नाउ लिंपिंग बैक टू नॉर्मल सी, जो वहाँ का लोगों से पता चला है। और इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि लोगों को सब कैंप में ही रहना है, कैंप से बाहर नहीं निकलना है, और जो जो लोग ये कॉन्टेक्ट करना चाहता है और इसका अलावा 263 का अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स हम लोग का नज़र में नहीं आया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी स्टूडेंट का दोस्त हो या पेरेंट्स हो या कोई भी हम लोग का ये जो कॉन्टेक्ट नंबर जो दिया गया है AIGP का नंबर है 8471889572 और DRC गुवाहाटी का नंबर है 7086026788। और साथ साथ में हम लोग का ये एडिशनल SP का नंबर है, ईटानगर एडिशनल SP का नंबर है 7630090058। तो ये सब नंबर में आप लोग संपर्क करके और साथ साथ में मणिपुर गवर्नमेंट का भी काफ़ी वो ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो उसी के आधार पर आप लोग हम लोग को बताने से तब जाके हम लोकेट कर पाएंगे हमारा बच्चे लोग कहाँ पे हैं। तो फिलहाल यही हम लोग का ये बोलना है कि हम लोग का एयरक्राफ्ट भी रेडी है, हेलीकॉप्टर भी रेडी है, जैसा वहाँ से क्लियरेंस मिलेंगे वहाँ से वहाँ का जो ATC क्लियरेंस या उधर का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका सिटी से लेकर टाउन तक जाने का जो क्लियरेंस सिक्योर मैंने सेफ्टी में हम लोग पहुँचाने एयरपोर्ट में, तब तक हम लोग उसका निगरानी में रखा हुआ है होपली कि और कल या परसों और नॉर्मल सी में आना है, तो जिसका कारण से हम लोग अभी तक हम लोग बच्चों को हम लोग ला नहीं पाया क्योंकि हम लोग ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो है हम लोग उसमें लैंड करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बहुत सा ये पैरामिलिट्री फोर्सेज जो मूवमेंट काफ़ी चल रहा है, तो जिसका कारण से हम लोग एयर ट्रैफिक में कंजेशन आया है। तो विद दिस वंस अगेन आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश की हम लोग कहीं कहीं जो रिमोर्स जो चलता है उसका आधार पर नहीं चलना है। वी आर एब्सोल्युटली इन टच इन द ग्राउंड, बच्चों से भी संपर्क हो रहा है, हम खुद भी बात किया कुछ कुछ बच्चे लोगों को वहाँ का लोगों को, और हमारा जो ये जो कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल रूम से सबको कॉन्टेक्ट में है, क्या कमियां है, खाना पीना कमियां है या जो भी है हम लोग सब ये कॉन्टेक्ट में है एंड होपफुली कि द सिटिंग्स कम बैक टू नॉर्मल सी वेरी सून। और प्लस जो स्टूडेंट्स अरुणाचल वापस आना चाहता है तो हम लोग तहनते एज सुन एज जैसा हम लोग मौका मिलेगा हम लोग उसको हम लोग अपना स्टेट में इवैक्यूएट करेंगे। सो इट इज एनी मोर डाउट यू वांट टू आस्क, आपका वो फिगर थोड़ा दे दीजिएगा। हाँ फिगर हुई है कि अभी 263 अभी वहाँ स्टैंडर्ड है, कॉपी दे दीजिए। हाँ ठीक है, तो उसके साथ साथ में जो ये 19+15 लोग जो है रूटीन जो शेड्यूल फ्लाइट में इन लोग अपना से टिकट बना के आ गया है, तो ये और पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के लिए कुछ ऑप्शन नहीं, बच्चों लोग का टेलीफोन नंबर तो चल रहा है तो पेरेंट्स लोग आई थिंक दे आर हैविंग कॉन्टेक्ट। तो अगर ये कुछ बच्चे जो हम लोग का ये जो ये लिस्ट में नहीं आया है तो वो पेरेंट जो है हम लोग को कॉन्टेक्ट करना है, जो नंबर अभी आप लोगों को बताया गया शेयर किया गया ताकि हम फिर उन लोगों को संपर्क कर सके। तो नो नो इट वॉज इन द नून अराउंड नून टाइम तो उधर भेजा है तो ATC क्लियरेंस नहीं मिले कारण से वो वापस आ गया। सर वहाँ बच्चा लोग को मतलब अपना अपना कैंपस में ही ना कोई एक कहीं कैंपस में नो दे आर ऑल इंडिया ऑन कैंपस और
हम लोग बच्चे लोग को भी हम लोग कवर लिया है कि हाँ अभी थोड़ा सा फोर्सेज जो है उन लोग का ये कैंपस का बाहर में ये तैनात है, साथ साथ में वहाँ का जो सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग बार बार ये बात हो रहा है, और हम लोग का चीफ सेक्रेटरी बात हो रहा है, डीजीपी टू डीजीपी का भी बात चल रहा है, और बच्चों से स्पेशली हम लोग बच्चों से हम लोग काफ़ी बात चल रहा है। लेकिन हेलीकॉप्टर से कितना बच्चा लोग को लाएगा आप लोग, क्यों वो कोई प्लेन व्लेन नहीं है? नहीं, हम लोग फ्लाइट भी हम लोग जो है चार्टर करने के लिए हम लोग बात किया, और काफ़ी जो एयरलाइंस को हम लोग बात करके रखा है, और बहुत लोग ने अभी भी रेडी है, वंस वी गेट क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड वो काफ़ी एयरलाइंस लोग जो है उन लोग एवैक्यूएट करने के लिए रेडी है, दे आर विथ अस एंड वी आर इन टच विद देम, तो जैसा उन लोग क्लियरेंस मिलेगा, और MHA ने भी ये एश्योरेंस दिया है कि जो जो जितने भी हो अरुणाचल का सिर ने कोई भी उधर से अगर एवैक्यूएट करना है तो MHA से भी हेल्प करेंगे बोलकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बताया।